अरे तू धरती का बहुत बड़ा है बे, अब मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। नंबर दो, नंबर दो, नंबर आप तलब जिसने भी मेरे खिलाफ गया है सिर्फ उसकी क्या ही हाल हुआ। आज मेरा बुढ़ा सुरेश आएगा, मुझसे पूछेगा मेरे बापू कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। मेरे मालिक तेरा सारा आज एक मिला Thank you.
परमगढ़ी यहाँ पर उपस्थित नौटंकी कला के दर्शक भाइयों, पिता तल बुजुर्गों, आई हुई माता और बहनें, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। सभी बाबू, हाँ साहब, मेरी कहानी इस तरह से है। मैं बिक्रमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेश है, पिताजी का नाम जग्गु किसान है, माँ का नाम मालती है, छोटा भाई है जिसका नाम रमेश है। क्या बताऊँ बाबूजी, जब गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए तैयार होते थे तो हमारे भैया दौड़ के रमेश हमारे पर पकड़ लें, कहा भैया हमहू पढ़ा पढ़िए कौन बढ़िया अफसर बनवर भैया। तो भैया का हम समझाए, भैया देख मेहनत मजदूरी करने पर भी तो वक्त के लिए खाना नहीं मिलता, भैया कैसे तुझे पढ़ाऊंगा। भैया अगर तुझे पढ़ना है तो ननिहाल चला जा, माँ और नाना नानी मामा मामी सक्षम है तुझे पढ़ाएंगे। भैया हमारे भैया ननिहाल पढ़ाई करता है। और क्या बताऊँ बाबू जी, आज कई दिनों से हमारे पिताजी की तबीयत खराब चल रही है, यहाँ तक कि मैं कई डॉक्टर हकीम बुलाकर बाबू के लिए इलाज करवाया, लेकिन बाबू के शरीर में कोई परिवर्तन शरीर में कोई परिवर्तन कोई सुधार नहीं आया तो मैं नौकरी के चक्कर में शहर गया बाबू। वहां पर मुझे नौकरी तो नहीं मिली, काम मुझे मिला ईंट और गारा का। एक हफ्ते तक बहुत ही मेहनत के साथ काम किया बाबूजी। इसके बाद सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मुझे पैसे चाहिए, हमारे पिताजी बीमार हैं, दवाई लाना बहुत जरूर है। लेकिन सेठ पैसे देने के बजाय मुझे अपने पैरों से ठोकर मार कर भगा। हे भगवान, कौन से मैं ऐसा गुनाह कर दिया था मेरे मालिक, जो कि सारी दुनिया की मुसीबतों का पहाड़ तूने मेरे सर पर डाल दिया। भगवान, खाली हाथ लेकर अपने घर को जलता परमात्मा तेरा तारा मालिक। बाबूजी, आप लोगों के सामने एक शोक गीत पेश है, जो कि पिताजी की आत्मा की संतुष्टि मिले। भैया छोटे लाल भैया, कन्हैयालाल भैया, हा भैया सुनाए बाबूजी की आत्मा के लिए एक शोक गीत पेश है। भैया भटकता क्यों मुसाफिर, कौन सी दौलत का है भूखा, अरे तुझे मालूम नहीं कि सब दुनिया का परपंच है झूठा। तो फंसा क्यों मैं बंदे, जरा कुछ ध्यान तो कर ले, अरे विधाता से किया वादा उसे तू भूल है बैठा। तो अमानत खो रही तेरी, बजट घाटे में है तेरा, और कमाया लाख फिर भी अंत में जाएगा तू भूखा। बाबूजी, बाबूजी की आत्मा के लिए शोक गीत पेश है।
ए बाबूजी हमार बाबूजी गैले मोर हेराई हो बाबूजी गैले मोर हेराई हो अबही तक ना बोले बाबूजी गैले मोर हेराई हो से पूछा भाई उनके दिल पर का गुजरा था तो भाई लोग पूछा कि हमारे हमारे सामने रहा है बाबूजी गैले मोर हेराई हो अब ही तक ना दिन मंगलवार हो बाबूजी छोड़ दिए हमारी दीवार हो भैया आप सम्मानित धर्मवीर भैया बाबूजी के आत्मा के शांति के लिए इस शोक गीत को सुनते हुए 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं बाबूजी की आत्मा को शांति हो बाबूजी ले पाई हो अब ही तक ना बोले बाबूजी ले पाई हो छोटे से बतिया कैले क्या काशी राम मास्टर वाली लतिया छोटे लाल भैया कहे तुला कहे बतिया कैले क्या काशी राम मास्टर वाली लतिया बोलवाई हो अब ही तक ना बोले बाबूजी गले मोर हेराई हो अब ही तक ना बोले माँ माँ देख तेरा बेटा तुझे माँ माँ तेरे आंखों में आंसू माँ तू रो रही माँ मुझसे कोई गलती हो गई माँ बता माँ मुझे माफ कर दो माँ हो रही माँ किसी ने कुछ कहा तुझे मुन्ना रोने है बेटा तुम तो जानते हो कि विक्रम बाबू के यहाँ हम सब काम करते हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी 500 रुपया उनसे कर्ज लिया दवा के रूप में ए माई ये तो हर तरह से आन हो गए माई ये अपन अब खून बेच के होकर पैसा दे के दे माई
का चिंता करती है माई? दरवाजे पर बापू विक्रम आए, बोला कि 500 के बदले 5000 हो गया है, आज मेरा पूरा पैसा दे दो। हम गरीब के घर में ले पाई नहीं मुन्ना, कहाँ से उनका पैसा अदा करूँ? कुछ नहीं बिचारे अपने दिल में, चले बापू को गोली मार। जमींदार विक्रम सिंह, हमारे बापू का गोली मार के कातों का पैसा मिल गया? नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हरामखोर, जैसे हमारे बापू का गोली मारा है, हम सारे पास आवत ही तुहार गला दाब के मार डबत रहू। आवत ही हम तेरे पास, हर जाना ये जाने दो। आए आप विक्रम सिंह तेरे पास में, ऐसा ना कर, पहले अपने बापू का क्रियाकर्म करके तब उससे भगवान से जरूर फैसला एक दिन देगा। अपने आत्मा को शांति दे दे मुन्ना, ऐसा ना कर, बगावत ना कर, हम गरीब उनके साथ कर ही क्या सकते हैं। माँ, तूने मुझे अपने दूध की कसम खिला दिया। माँ, कसम खिला कर माँ, तेरी गैरत ने मुझे मजबूर कर दिया। माँ, नहीं तो मैं इसके पास जरूर जाता। हाँ, देख रहा हूँ पिताजी की लाश मेरे सामने पड़ी है। अपने बापू का उठा बेटा, चल गंगा घाट पे अंतिम संस्कार। माँ, आज इस गरीब के पास, इस बदनसीब के पास ना पिताजी के कफन के वास्ते पैसे नहीं, पिताजी का कफन तो भरने से ससुराल कैसे करूं? माँ, बहुत लोग दाता घर भी बैठे हैं, जरूर हम गरीब की इमदाद को जरूर सुनेंगे मुन्ना। माँ, कफन के लिए पैसे मिलेंगे? माँ, जरूर सहारा देंगे तुम्हें। औलाद वालों, आप लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर, अपना कर फैलाकर भीख मांग रहा हूं, न तो खाने के लिए न तो पीने के लिए, सिर्फ कफन के लिए आप लोगों से भीख मांग रहा हूं, मेरी मदद कीजिए बाबू। भैया मोलचंद मास्टर साहब, ये आपके मुसीबत को देखते हुए आपके पिताजी के लिए कफन के लिए 11 रुपया की मदद कर रहे हैं। भैया का नमस्कार। भैया को भगवान खुश रखे, भैया को जाना हमेशा भरा रखे। भैया बुला रहे हैं, मदन मुरारी हमारे ऊपर तनी कौ रहम न खाया, मदन मुरारी हमारे ऊपर तनी कौ रहम न खाया,
आगे भैया आप परम समय तुम्हारे सुगढ़िया बाबू साहब 11 रुपए से आपकी मदद करें भैया का। नमस्कार बा भैया को भगवान खुश रखे। ए पानी के पूरब दरदी गिराया होएगा बाबुल बिना ललनावा तुझे होएगा बाबुल बिना ललनावा। बाबुआ बाबुआ बाबुल बिना ललनावा जे आगे आप लोग समाहित हमारे जीतलाल बाबू साहब जो कि चफरी निवासी हैं 11 रुपए का पुरस्कार है भैया का। नमस्कार प्रणाम बा भैया को भगवान खुश रखे। जो गरीब की इमदाद कर रहे हैं कफन के लिए पैसा दे रहे हैं थे अपने जूता हो गए कोई नहीं सहारा जो थे अपने जूता हो गए कोई नहीं सहारा किनारा की है बबुआ धारा हो जाई जहनमा की है बबुआ धारा हो जाई जहनमा। बबुआ आगे आप साहब असगर अली फल वाले आप साहब सदनगंज से 21 रुपए की मदद आपकी कर रहे हैं भैया का। नमस्कार प्रांबा और साथ ही साथ आगे भारत लाल भैया 11 रुपए से आपकी मदद कर रहे हैं कफन के लिए भैया का। नमस्कार बा माँ बाबू लोग भैया लोग कफन के लिए पैसे दे दिए हैं। चलो माँ पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए। भैया भैया थोड़ा बाबूजी के हाथ हाथ लगा दो भैया। ए पिजड़ा से उड़ जाई इजहतिन सुगनवा बाबूजी नदी बाजार माया की सी कलाम दुनिया भैया एक दिन सभी को जाना यहाँ से। ए पिजड़ा से उड़ जाई जह दिन सुगनवा माया की नगरी सपन हो जा। माया की नगरी सपन हो जिंदगी आई पौला चार दिना की जिंदगी आ तू पौला
फंस जाते हैं।